तो भाई साहब आज एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे अपन जो कि भाई मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट है, जिसको मैंने 5 साल तक ओन करा था, उससे भी ज़्यादा टाइम तक। एंड भाई उसके जैसे हैचबैक मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, ना ही मैंने कभी चलाई। नो डाउट भाई गाड़ी के बारे में जितनी बातें करें उतनी कम पड़ जाती, क्योंकि भाई गाड़ी है ही ऐसी। तो भाई आई होप आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। मेरे जो भी पुराने भाई है जो अपने चैनल से जुड़े हैं उनको पता है, क्योंकि जो मेरी ऑलमोस्ट भाई जितनी भी ऑडियंस है ना, जो भी अपने भाई है, वो उसी गाड़ी से स्टार्ट हुए थे अपनी फैमिली में आना। तो भाई आज अपन बात करने वाले अपनी फर्स्ट कार जो कि जिससे मैंने चैनल स्टार्ट करा था, नन अदर देन शेवरलेट बीट। ये भाई गाड़ी ऐसी है ना, मैं आपको क्या बताऊं भाई, इस गाड़ी की हर एक चीज़ के बारे में मेरे को अच्छे से पता है। मैंने हर एक चीज़ भाई इसकी रू रू देख रखी है कि यार गाड़ी कैसी है, कैसे चलती है, कैसी दौड़ती है, इसकी परफॉर्मेंस, इसका माइलेज, सारी की सारी चीज़ें भाई मेरे को इस गाड़ी के बारे में पता है। तो आज आपको मैं वही बताऊंगा। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए जो भाई काफ़ी टाइम से वेट करते कि यार डिज़ायर आने के बाद मैंने इस गाड़ी के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। तो भाई मैं आपको आज एक अच्छा खासा वीडियो बना के बताऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ से वीडियो को देखना पूरा, स्किप मत करना। एंड जो भी नए भाई अपना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस तरह हमारे सभी भाइयों का आशा करता है सभी बढ़िया होंगे, अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहे होंगे। भाई मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई ये है अपनी शेवरलेट बीट 2013 वाला मॉडल, डीजल में, ठीक है, पेट्रोल में एंड डीजल दोनों में आती थी। फिलहाल अपन देख रहे हैं भाई डीजल वाला वेरिएंट। तो सबसे पहले भाई आपको सामने से कुछ ऐसे इसकी अग्रेसिव लुक्स देखने को मिलती है, जिसमें भाई आपको देखो नीचे आपको 2 फॉग लैंप्स मिलते हैं जो कि कंपनी ऑफर करती है आपको। टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला अपना ये LT एंड आपको कुछ इसकी ऐसी बड़ी बड़ी हेडलाइट्स देखने को मिलती है, ठीक है, जिनका भाई थ्रो रात के टाइम थोड़ा हाँ मतलब कम लगता है, बट ओवरऑल बेटर है भाई मेरे हिसाब से, तो बढ़िया ही रहता है। अगर आप बल्ब वगैरह चेंज कराओ तो आपकी चॉइस है। बाकी भाई साइज़ देख लो हेडलाइट्स की, आप इतनी बड़ी साइज़ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। हालांकि भाई ये थोड़ा टूटा हुआ है यहाँ से, क्योंकि भाई पार्ट्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है शेवरलेट में। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूँ कि भाई इसके पार्ट्स को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई ब्रांड खुद ही चली गई तो आपको पता ही रहेगा, फिर जब कंपनी नहीं है, मेकर ही नहीं है यहाँ पर, तो फिर पार्ट्स का मिलना भाई थोड़ा मुश्किल रहता है। बट हाँ आप सेकेंड हैंड मार्केट में ट्राई करो तो आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। इसका साइड प्रोफाइल की तो भाई ये देखने में कुछ ऐसी लगती है, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा इसका डिज़ाइन है, जो कि भाई कहीं पे भी चली जाती है गाड़ी, अपनी साइज़ छोटा है इसका, तो गली वगैरह में चलाने में आपको भाई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। इवन तो मैंने खुद ने चलाई तो भाई मेरे को पता है कि इसका साइज़ काफ़ी बेटर है। तो भाई बात करें इसके डायमेंशंस की, तो वो मैं आपको स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगा, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब आप लुक चेक करो गाड़ी का साइड से, एलोइज़ में मिलते नहीं है भाई, स्टील रिम्स मिलते हैं जो कि भाई एलोइज़ के जैसे ही होते हैं। इसमें आपको वो स्टेप वो बोलते हैं ना भाई, इसको ब्लैक कलर की रिम देखने को नहीं मिलती है, इसमें पूरे अपने स्टील व्हील्स होते हैं। आगे के साइड आपको भाई डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, जिनका पावर भाई काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग इसकी बेटर है गाड़ी की, नो डाउट। तो ये है भाई अपनी गाड़ी की साइड प्रोफाइल। तो अपन भाई रियर लुक्स की, तो भाई रियर में आपको देखो आपको ऐसी कुछ हेडलाइट्स मतलब इसकी रियर लाइट्स देखने को मिलती है, सॉरी। तो इसमें भाई आपको डबल एक तो रेड कलर का आपको टोन मिलेंगे, एंड नीचे भाई इंडिकेटर में आपको ऑरेंज कलर की, एंड यहाँ पे आपको रियर लाइट का बल्ब मिलता है भाई, लाइट इसकी टूटी हुई है मतलब इसका ऊपर वाला कांच। आपको यहाँ पे बैक वाइपर मिल जाता है, तो कि भाई कुछ ऐसा दिखता है फिलहाल, ये तो टूटा हुआ। आपको शेवरलेट की बैजिंग मिलती है, TCDI इंजन की बैजिंग, उसके बाद BLT टॉप वेरियंट की बैजिंग, एंड भाई ऐसा कुछ आपको नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाता है बंपर पर भाई, ड्यूल टोन बंपर है जो कि भाई ठीक ठाक लगता है, काफ़ी बेटर इसको भाई लुक देता है, ठीक है। रोड पर इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो भाई देखो ऊपर से भाई आपको इसमें रूफ रेल्स मिल जाती है जो कि अपने भाई टॉप वेरिएंट्स में ही आती है। पीछे आपको डिफॉगर भी मिल जाता है, एंड आपको यहाँ पे भाई एक वॉशर मिलता है, ठीक है। तो भाई फीचर्स में कोई कहीं भी कमी नहीं रखी है कंपनी ने, छोटी गाड़ी है, हैचबैक है, फिर भी भाई भर भर के इसमें फीचर्स दे रखे। अभी आपको मैं बताऊँगा और आगे आगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो भाई ये इसका पीछे वाला लुक आपको मैं एक और बढ़िया चीज़ बताता हूँ, जो कि भाई आजकल के ब्रांड्स यूज़ करती है ना, ये वाली चीज़ देखो भाई, यहाँ पे आपको इसका डोर अनलॉक एंड लॉक वाला सिस्टम मिलता है, ठीक है, जो कि भाई आजकल अपनी टाटा की अल्ट्रा स्विफ्ट में आपको देखने को मिलता है, बट शेवरलेट ने भाई ये चीज़ बहुत ही पहले ही कर दी थी, ठीक है। तो भाई ये चीज़ आपको काफ़ी क्लासी एंड अच्छी देखने को मिलती है, कि भाई आपको एक मॉडर्न फीचर मिल रहा है गाड़ी में, जो कि मोस्ट ऑफ दी कार्स में आज आपको देखने को मिलता है एज अ न्यू फीचर, ठीक है, जो कि कंपनियां उसको ऐसे शो ऑफ करती है कि भाई हमारी गाड़ी में ये फीचर है, जो कि शेवरलेट ने भाई बहुत पहले ही करके दे दिया था। तो भाई ये है इसका भाई देख लो, इस साइड से भी साइड लुक चेक कर लो एक बार। इसके फ्यूल लीड के तो ये आपको यहाँ पर मिलता है भाई, ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बाकी सारी कार्स में आपको उस साइड मिलता है, बट इसमें आपको इस साइड देखने को मिलता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई इसके इंटीरियर की, कि अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो करते हैं भाई अपन डोर को अनलॉक,
एंड भाई पीछे से भाई आपको कुछ इतना लेग स्पेस मिलता है, एंड ऊपर से भाई हेडरूम भी आप देख लो, हाइट इसकी भाई थोड़ी ऊंची है तो भाई ठीक ठाक हेडरूम मिलता है, बट अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी है तो आपको लेग स्पेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अदरवाइज भाई पीछे आपको पार्सल ट्रे देखने को मिलती है। एंड ये भाई इसकी सीट्स देख लो, यहाँ पे भाई आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है। टॉप वेरिएंट अगर आप ले रहे हो तो भाई इसमें आपको फोर डोर्स में आपको पावर विंडो का कंट्रोल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भाई आपको ऐसा कुछ इसका लॉक अनलॉक का मिल दिखता है, मतलब ये वाला ऊपर नीचे करके अपन करते हैं ना लॉक, एंड यहाँ से भाई आपका ये खींचने का मिलता है जिससे अपना डोर खुल जाता है, ठीक है। ये भाई ओवरऑल लुक है, अब अपन भाई आगे चलते हैं, ठीक है। ये बढ़िया चीज़ें भाई इसमें आगे दे रखी है कंपनी ने, ठीक है। अब वो क्या क्या है अब आपको बताता हूँ मैं एक एक करके। तो अंदर बैठ गए फिलहाल अपन गाड़ी में, आवाज़ करती है भाई गाड़ी डोर मतलब बंद करते टाइम। बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है भाई, ख़तरनाक बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की, नो डाउट। तो भाई ऐसा कुछ स्टेयरिंग देखने को मिलता है जिसमें आपको बीच में सेवले का लोगो। ओवरऑल भाई मेरे को स्टेयरिंग का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है क्योंकि भाई थोड़ा स्पोर्टी आपको फील देता है। पहले भाई अपन थोड़ा इसको बंद कर देते हैं क्योंकि नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है अंदर। तो ये देखो भाई इसमें आपको एक स्पोर्ट्स बाइक से इंस्पायर्ड आपको एक मीटर मिलता है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि भाई आप गाड़ी भगाओगे ना भाई ये बहुत बढ़िया लगता है। इसकी लाइटिंग वगैरह, इस पर पूरे इंटीरियर में भाई लाइट जलती है ब्लू कलर की, ठीक है। अब वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे लगती है। उसके बाद भाई आप देखो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का इंसर्ट मिलता है, जो अपने पास थी ना भाई उसमें सिल्वर कलर का था एंड इसमें भाई ब्लैक कलर का मिल रहा है। तो भाई ओवरऑल आप एक बार इसका लुक चेक कर लो, ठीक है, अंदर से आपको कैसी लगती है। ये इसका भाई अपना हैंड ब्रेक है एंड इसमें क्रोम में आपको टिप मिलती है। इसका गियर है भाई, गियर शिफ्टिंग आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी इसमें भाई, लैग नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। गियर भी काफ़ी अच्छा है, छोटा सा स्पेस मिलता है। ये रहा इसका ग्लव बॉक्स, इसमें भी आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर भाई थोड़ी स्पेस है, ये अपने देख लो भाई जो चीज़ का बता रहा था ना मैं आपको भाई, काफ़ी बढ़िया चीज़ें मिलती है इसमें भाई। ऑटोमेटिक एसी मिलती है आपको, जो कि भाई एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसको ऑन करके, ठीक है भाई ये अपनी ऑन हो गई। एंड जैसे मैं इसको ऑटो पे करूँगा ना, ये देखो भाई ये चलना स्टार्ट हो गई। यहाँ से आप इसको मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो इसके फैन स्पीड को, ये देखो एसी भाई बहुत बढ़िया है गाड़ी की। यहाँ पे भाई आपको इसके मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि भाई इनबिल्ट आता है कंपनी से ही। तो ये भी इसमें भाई आपको चार स्पीकर ऑफर करती है जो कि आपको प्लेसमेंट आगे देखने को मिलेगी, एंड बाकी के दो भाई अपने डिक्की में, ठीक है। तो चार स्पीकर आते हैं जिनका आउटपुट भी काफ़ी अच्छा है भाई, हाँ मतलब बेस्ट नहीं रहेगा बट गाड़ी के हिसाब से बेटर है। उसके बाद आपको भाई बीच में एसी के आपको मिल जाएंगे ये दो जगह। उसके बाद ये हजार्ड लाइट हो गई अपनी इंडिकेटर्स। उसके बाद आप इस साइड देखो तो आपको इस साइड एक एसी का मिलता है मैनुअली भाई, इसमें आपको ये अपना एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं है, आप चाहे कोई सा भी वेरियंट ले लो। तो भाई ये सारी चीज़ें मिलती है आपको बीट के अंदर, ठीक है। अब अपन इसको चला के मैं आपको चला के भी बताऊंगा कि भाई गाड़ी का पावर कैसा है, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। इंटीरियर में भाई ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बता दी है। हाँ सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ भाई, तो इसमें आपको ABS मिल जाता है, बट एयरबैग की अगर बात करो तो ये एयरबैग नहीं मिलता, ठीक है। बाकी के सारी जो भी चीज़ें मैं मेंशन कर लूँगा आप वो देख लेना, क्योंकि भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं फटाफट से आपको चीज़ें बता देता हूँ। बात करें इंजन स्पेक्स की, तो भाई इसमें आपको मिलता है 1 लीटर का डीजल इंजन, अगर आप पेट्रोल में लेते हो तो आपको वहीं पे 1.2 लीटर का देखने को मिलता है। ये है अपना भाई 3 सिलेंडर का डीजल इंजन जो कि भाई 1000 cc का होता है। इसमें भाई आपको 57 BHP मिलती है जो कि 4000 RPM के आसपास होती है। एंड बात करें टॉर्क की, तो भाई वो आपको मिलता है भाई 150 Nm का टॉर्क, ठीक है। तो ये हो गई अपने इंजन की बात है। अब अपन आ गए हाईवे पे, अब आपको मैं ड्राइव करके बताने वाला हूँ कि भाई गाड़ी चलती कैसी, गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, एंड भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाड़ी का माइलेज कैसा है, ठीक है। क्योंकि भाई छोटा सा बॉक्स भाई आपको डीजल इंजन देता है आपको, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था डीजल में भाई कितना क्या माइलेज निकालता है, मैं आपको वो भी बताऊँगा। तो भाई देखो सबसे पहले अपन कर लेते हैं स्टार्ट गाड़ी को, तो भाई नॉइज़ चेक कर लेना आपकी भाई गाड़ी के अंदर कितनी क्या नॉइज़ आती है, एंड बाकी की बात है भाई अपन गाड़ी को चलाते टाइम करते हैं, ठीक है। तो भाई अपन फर्स्ट गियर लगा लिया मैंने। अब आप इसकी ना भाई पावर देखना गाड़ी की, कि गाड़ी भाई इतना, मैं ना भाई शौक हो कि यार मेरी पेट्रोल में है डिज़ायर इससे ज़्यादा पावरफुल है, वो भी भाई इतना पिकअप मेरे को नहीं देती है, ठीक है। अब मैं आपको उठाऊंगा ना तब देखना आप। फर्स्ट गियर मैंने लगा लिया भाई, एक बार पीछे से गाड़ी को निकलने देते हैं क्योंकि भाई सेफ्टी अपनी पास अपने रखनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार रोड खाली हो जाए फिर अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट भाई रोड खाली है, अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड गियर, थर्ड,
की ऑफ है भाई, ठीक है गाड़ी का आवाज भाई, ये गाड़ी बहुत ज्यादा कर रही है। इसके आगे का भाई लेफ्ट वाला टायर भी शायद कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, बट इवन तो भाई पावर देखो आप गाड़ी की डीजल में होने के बाद भी हैंडलिंग भाई काफी ज्यादा स्मूथ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में हैंडल करते टाइम। एंड ब्रेकिंग तो भाई मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि भाई इसके साथ ब्रेक्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसके पेड़ वगैरह चेंज करवाना है। तो फिलहाल भाई आप ऐसे ही चिल करो अपने वीडियो को। डीजल गाड़ी को चलाने का भाई अब एक अपना अलग ही मजा होता है, ठीक है। जो भाई थम्बा आपको डीजल इंजन देता है ना, वो पेट्रोल कभी नहीं दे सकता। तो भाई डीजल भाई मेरी खुद की अपनी पर्सनल फेवरेट है, डीजल वाली गाड़ी को बोर उनकी होती नहीं है। बहुत ज्यादा मजा आता भाई गाड़ी चलाने में, जब गाड़ी की साइज छोटी हो ना एंड फिर आपको एक अच्छा खासा इंजन देखने को मिलता है तो भाई बहुत ही ज्यादा ड्राइव करने में मजा आता है। तो अब अपन भाई अपन बात करते हैं कि इसके अंदर आपको कैसे क्या भाई माइलेज का सिस्टम देखने को मिलता है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं आपको। तो भाई देखो अब अपन बात करें ना माइलेज की भाई, तो ये गाड़ी भाई जो इसका बिकने का रीजन था ना जब ये गाड़ी चल रही थी, तो भाई वन ऑफ द रीजन था इसका माइलेज भाई। डीजल में है तो डीजल में ऑब्वियसली भाई आपको माइलेज ज्यादा ही देती है पेट्रोल से। तो भाई ये अपना माइलेज भाई मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँ ना, तो मेरे को भाई आराम से हाईवे के ऊपर ऑन एसी मेरे को भाई ये 23 के आसपास माइलेज देती थी, ठीक है, जो कि भाई मेरी डिजायर मेरे को अभी दे रही है, जो कि भाई काफी अच्छी बात है। ऑन एसी में भाई 23 एंड विदाउट एसी भाई 24-25, ये चीज भाई फैक्ट है इस गाड़ी के बारे में। सेवले के बारे में आप लिख के ले लो भाई, 24-25 का माइलेज तो आपको देगी देगी। बस आपको ध्यान ये रखना कि भाई आपको स्पीड इसकी 80 या 100 इसके आसपास रखनी है भाई। इसके ऊपर आप दौड़ाओगे तो भाई चाहे कोई से भी गाड़ी ले लो, भले ही वो सीएनजी में भी क्यों ना, वो माइलेज आपको कम ही देगी। बट भाई ये चीज है आपको उसमें सीएनजी डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये एक तो डीजल में है एंड डीजल आपको बताओ तो भाई पेट्रोल से सस्ता ही होता है। तो भाई डीजल में होने के बाद भी आपको ये अच्छा खासा माइलेज दे देती है जिसको भाई आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है भाई, ठीक है। ये हो गया भाई इसके माइलेज की बात। तो भाई लोगों देखो गाड़ी के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ, इसका एक्सटीरियर, इसका इंटीरियर, गाड़ी चलने में कैसी है, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इसका माइलेज, ऑलमोस्ट भाई सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कुछ भी जानना हो ना गाड़ी के इस अपने सेवले बीट को लेके, तो भाई मेरे पुराने वीडियोस चेकआउट कर लेना, ठीक है। मैंने हर एक चीज़ पे वीडियो बना रखा अपनी इस गाड़ी को लेके। तो आप देखो भाई मैं आपको ये गाड़ी लेने का आप सोच रहे हो ना, तो भाई पहली बात तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि जो अपने सेवले थी ना भाई वो इंडिया लेफ्ट कर चुकी है, मतलब छोड़ के जा चुकी है अपने भाई 2016-17 के आसपास, क्योंकि भाई इंडियंस को चाहिए होता था भाई अपना सस्ते में मतलब कम पैसों में गाड़ी चाहिए होती है। एंड ओवरऑल भाई आपको बताओ तो मारुति एंड ह्यूंडई वगैरह की गाड़ियाँ ज़्यादा बिकती थी, बट हुआ क्या कि भाई सेवले टिकी नहीं यहाँ पे। एंड 2-3 गाड़ियाँ अच्छी थी जैसे कि अपने पास सेवले बीट, सेवले टवेरा एंड सेवले क्रूज़, ये 2-3 गाड़ियाँ भाई सेवले की चली थी। उसके बाद भाई कंपनी ने इंडिया को छोड़ दिया, ठीक है, इंडियन मार्केट छोड़ के चली गई वो। हालांकि भाई कंपनी तो चली दी है अदर मार्केट्स में, जो अपने भाई दूसरी कंट्रीज है उसमें तो सेवले हमेशा टॉप पे रहती है, बट इंडिया में नहीं चल पाई, तो भाई वो एक अलग बात है। अब मैं आपको भाई मेन बात बताता हूँ, ठीक है, कि अगर आप भाई प्लान बना रहे हो सेकेंड हैंड गाड़ी लेने का तो भाई इस गाड़ी से बेटर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन है, अब वो क्या है भाई, आपको गाड़ी अगर ये लेनी है ना तो भाई आपको अच्छे से एक अच्छी कंडीशन गाड़ी लेनी है, ठीक है भाई, अच्छे से उसकी जितनी भी जांच पड़ताल आपको करनी है ना कर लेना भाई, इसके इंजन रिलेटेड, इसकी बॉडी को लेके या फिर कुछ भी अदर चीज़ को लेके, क्योंकि भाई अगर इसमें आपको दिक्कत हो गई ना गाड़ी लेने के बाद तो भाई आपको बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे, आपका भाई जीना हराम हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि भाई मैंने जब ली थी ना 4-5 साल पहले की बात है, जो मतलब इस गाड़ी को रखा है मैंने 4-5 साल से, तब भाई पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो थी ना वो मेरे को हो जाती थी, मतलब थोड़ा फिर घूमना फिरना पड़ता था, बट मेरे को पार्ट्स मिल जाते थे, ओरिजिनल ना सही बट कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि भाई ओरिजिनल मिल जाते हैं, इसके जैसे अपना आगे वाला कांच है पीछे वाला कांच है वो ओरिजिनल मिल जाता है, ठीक है। बाकी जो अदर पार्ट्स होते हैं ना भाई उसमें बहुत भाई मशक्कत करनी पड़ती है, तो भाई ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना गाड़ी लेने से पहले, क्योंकि इसके पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है ना भाई वो बहुत कम है, तो ये चीज़ आपको भाई ध्यान में रखनी है जब भी आप गाड़ी लेने का सोच रहे हो। एंड दूसरी बात ये है कि भाई इसके मैकेनिक्स जो है ना होते हैं ना भाई अपनी कार को ठीक करने वाले, उसकी भी कमी भाई बहुत ज़्यादा, हर किसी को भाई गाड़ी का इंजन समझ नहीं आता भाई, वो गाड़ी को हाथ में नहीं लेता है, वो बोलता है भाई मेरे बस की नहीं है। तो भाई वैसे तो महिंद्रा वगैरह होते हैं महिंद्रा में या फिर फर्स्ट चॉइस वगैरह शोरूम होता है वहाँ पे इसकी हो जाती है सर्विसिंग,
तो सर्विसिंग में ऐसा भाई, जो अपनी नॉर्मल सर्विस होती है ना भाई, फिल्टर वगैरह चेंज करना, गाड़ी की सर्विस करना, ऑयल चेंज करना, वो तो हो जाती है कहीं पे भी। बट जो मेजर सर्विसेज होती है ना भाई, जो तो अपना पार्ट्स को लेके होती है गाड़ी के, इंजन वाले पार्ट्स को लेके, तो उसमें भाई आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल भाई गाड़ी नो डाउट काफ़ी अच्छी है, मैंने खुद ने रखी है गाड़ी को, तो भाई मेरे हिसाब से तो गाड़ी बढ़िया है। अगर आपको एक अच्छी बेस्ट कंडीशन में गाड़ी मिले तो ही बढ़िया है वो, ठीक है? नहीं तो भाई आप गाड़ी को दूर से सलाम कर देना, क्योंकि भाई आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, एंड एक और चीज़ भाई, कि आप मेरे को ज़रूर से कमेंट में पूछोगे ये चीज़ कि भाई किस प्राइस पॉइंट में हमको ये गाड़ी लेनी चाहिए। तो भाई देखो, बेस्ट से बेस्ट कंडीशन हो ना, अगर टॉप नॉच वाली कंडीशन हो, तो भाई आराम से आप 1.5-2 लाख तक आप उस गाड़ी को ले सकते हो, ठीक है? उसके बीच आप नेगोशिएबल करके जितना भी आपका प्राइस बैठा आप रख लेना, बाकी भाई उससे ऊपर जाने की बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि भाई 3 लाख में तो आपको शेवरले क्रूज मिल जाती है, ठीक है? तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना कि आपको 1.5-2 लाख में आपको गाड़ी लेनी है। अगर हाँ कंडीशन उसकी थोड़ी खस्ता, जो कि मैंने भी आपको बताई कि ऐसी कंडीशन है, तो भाई आप 1 लाख रुपए के आसपास ही देखना, ठीक है? ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, भले आपको वो आगे वाला डीलर कुछ भी बोले, आपको भाई अपना बजट लिमिटेड रखना है। तो ये भाई अपना प्राइस पॉइंट रहता है। मैंने कितने में सेल करी थी भाई, तो मैंने भाई इसको 1,50,000 में सेल करी थी, एंड मैंने उसको लिया था भाई 2,10,000 में। उसके बाद भाई मैंने इसके पार्ट्स के ऊपर वगैरह में, इसके जो भी अपनी नॉर्मल सर्विसेज होती है वो मैंने करवाई, बाकी अदर मेरे को ऐसा कोई खर्चा देखने को नहीं मिला था, क्योंकि भाई कंडीशन मेरी गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आई होप आपको भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा सब कुछ जो भी मैंने आपको बताया है। एंड जो भी मेरे भाई वेट कर रहे थे अपनी बीट के वीडियो का, तो ये लो भाई मैंने आपके लिए बना दिया वीडियो। प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर देना यार, एंड शेयर करना उस भाई के साथ जो ये गाड़ी लेने का सोच रहा है, या फिर कोई भी दूसरे सेवले ब्रांड की गाड़ी लेने का सोच रहा है, तो उसके साथ जरूर से शेयर कर देना। अब मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।